रूपहीहतर उपस्थित बहिराज्यर दुई युवक पदयात्री एजन अजितेश शर्मा घर उत्तर प्रदेश और आनजन सौरभ देवांगन घर छत्तीसगढ़ 2021 सन 7 अक्टोबर दुई युवके पदयात्रा आरम्भ करिसिल रायपुर छत्तीसगढ़ पदयात्रा करि छत्तीसगढ़ उड़ीसा हुई पश्चिम बंग सिक्किम और बर्तमान सिक्किमर पदार्पण कर नगाव जिलार रूपहीहतत आज उपस्थित है अजितेश शर्मा और सौरभ देवांगन नाम युवक दुजन एतिया तेओलोके अहोमर पुरा अरुणाचलर ईटानगर ले यात्रा करिब बुली मत व्यक्त करे तेओलोकर तीनी बसरिया यात्रार पांच माह सम्पूर्ण हुआ बुली मत व्यक्त करे दुई पदयात्रीकारीये इतिमध्ये चारिखन राज्य पदयात्रा करि दुई युवके भारतवर्षर 28 खन राज्य पदयात्रा करार संकल्प ग्रहण करिछे रूपहीहाट आरक्षी थाना दुई पदयात्राकारी युवकक रूपहीहाट आरक्षी थानार भारप्राप्त विषया निपु कलिताए फुलाम गामोसारे सम्बर्धना जनाय गाड़ी मटर व्यवहार करातक कम दूरत मानुहे खोजकाढ़ी चलाचल करातो सकलोरे बाबे उत्तम खोजकढ़ार फलत आमार शरीर चर्चार लगते आमी शारीरिक भावे शक्तिशाली हो थाकिब पारो परापक्षत इंधनजात सामग्री बेसि खरच नकरी खोजकाढ़ी आमी शारीरिक भावे सुस्वास्थ्यर अधिकारी हो थकाटोए भाल बुली मत प्रकाश करे दुई पदयात्राकारी मेरा नाम अजितेश शर्मा है मैं फरुखाबाद उत्तर प्रदेश का हूँ मेरे साथ मेरा पार्टनर है सौरभ देवांगन वो रायपुर छत्तीसगढ़ का है और हमारी जर्नी भी रायपुर छत्तीसगढ़ से 7 अक्टूबर 2021 को शुरू हुई थी आप लोगों का जर्नी कब खत्म होगा हम लोगों की जर्नी ये 3 इयर्स की है अभी हम लोगों ने अभी केवल 5 महीने कंप्लीट किए 5 महीने में 4 स्टेट कंप्लीट हो गए लाइक छत्तीसगढ़ से उड़ीसा उड़ीसा से वेस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल से सिक्किम सिक्किम से असम अभी हम जा रहे हैं असम से अरुणाचल प्रदेश ईटानगर ये जो हमारी जर्नी है ये कैपिटल टू कैपिटल है अभी 4 स्टेट कंप्लीट हो गया 5th स्टेट में हम रनिंग में अभी चल रहे हैं आप लोगों का जो ट्रैवलिंग है कहाँ से शुरू हुआ था रायपुर छत्तीसगढ़ से 7 अक्टूबर 2021 को असम घूमने से आप लोगों का कैसा लगा असम सबसे अच्छा एक्सपीरियंस अभी तक का हमारा असम का ही है क्योंकि असम के जो लोग हैं जो पब्लिक है वो बहुत सपोर्टिव है हालांकि हमारे पास कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है कोई चीज़ नहीं है बट लोकल सपोर्ट इतना हमको मिल रहा है जिससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है आगे 32 किलोमीटर समथिंग बट आज हमको इतने ज़्यादा लोग मिले फिर हमको आना पड़ा यहाँ पे पुलिस स्टेशन में रुको ही हार्ट करके वहाँ पे हमारी पहले तो बात हुई गौतम सर से देन गौतम सर के थ्रू हमको मिले नीपू सर तो नीपू सर ने हमारा बहुत हेल्प किया है उसके बाद आज का जो स्टे वगैरह है फॉरेस्ट ऑफिसर जो कि आगे हमको मिलेंगे उनसे उनके थ्रू हमारा आज का हॉल्ट हो जाएगा तो हम थैंक यू बोलना चाहेंगे सर को कि हमारा आज का स्टे वगैरह करा दिया तो थैंक यू सो मच सर नमस्कार सर मेरा नाम है सौरभ देवांगन मैं बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ आप लोग ने जो ट्रेवलिंग करके पब्लिक को क्या मैसेज देंगे सर हम एक मोटो लेके चला जो पूरे इंडिया पूरे वर्ल्ड यूथ के लिए है कि बर्न कैलोरीज नॉट फ्यूल इसका मतलब ये है कि आप जो छोटे छोटे डिस्टेंस होते हैं 100 मीटर 200 मीटर 1 किलोमीटर जिसको आप डेली लाइफ में पैदल चल सकते हैं उसको आप कम से कम पैदल चलिए और इन्वायरमेंट को अच्छा रखिए अपना हेल्थ अच्छा रहेगा आपका हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा ट्रैफिक जो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है रोड पे चल नहीं पाते वो कंट्रोल किया जा सकता है रोका नहीं जा सकता और क्लाइमेट बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है इस पर थोड़ा सा सुधार लाया जा सकता है तो हमारा कहना यही है कि आप रोज़ अगर कुछ सब्ज़ी लेने जाते हैं अंडा लेने जाते हैं या फिर कहीं जाते हैं तो साइकिल या फिर पैदल चलिए और मोटर बाइक इस्तेमाल थोड़ा कम करिए थैंक यू कितने स्टेट घूमेंगे हम लोग पूरा जो इंडिया के 28 राज्य है उसको हम लोग पैदल कवर करने वाले हैं मैं जाना एस पी अफिशर इन्हें दो ट्रेवलर यूपिर खोज काढ़ी आसे और चार इतिम्य स्टेट खोज काढ़ी पार हल मोटो आज बार्न कैलोरीज तमें अर्थात हल आम जीवर फुएल आम मैंने कि है फुएल तो आम सदा लिमिटेशन थके वर्ल्डर जीतु खारवा तल गई जो आम एने नष्ट ना और बार्न कैलोरी तो बचा अर्थात लगे गए फुएल तो बचाले कि है आम प्रदूषण कमे जो एयर पल्यूशन कमि जाए साउंड पल्यूशन कमे और तक जो अकान ठाईब जाओ आम निजे सैकेल लो जा खोज काढ़ी जा पारो जैसे कि फिजिकल एक्सारसाइज हम और लगते आम बेमार आजार बहुत कमर मतो तो खूब भल लगे से आज इार गई आमबागान जो कथा आसी दूर हम कारण फरेस्ट अफिस कन्टेक्ट कर और फरेस्ट अफिस नाइट हल कर तारे कल तेजपुर ईटानगर जो व्यवस्था करो भल लगे लग कर
यूथ जेनेरेशन भाल मत लगे गोटे भारतवर्ष घूरीम भाई से जो जनक मोर फल थैंक यू सो माच। ठीक है, थैंक यू सो माच।